आज मैं आपके समक्ष धन्य मदर इंद्रिकेटा के आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। वह प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से प्रेरित होकर हमेशा परमेश्वर में लीन रहती थी। वह बचपन से ही एक दूसरों के प्रति सहनशील, दयालु, कोमल, विनम्र और मिलनसार थी। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ था। वह बहुत ही उदार और सरल स्वभाव की थी। यही कारण था कि वह अपनी मेहनत और लगन के कारण 33 वर्षों तक सुपीरियर जनरल के पद पर बनी रही। वह अपने संताना समाज के सभी धर्म बहनों को सच्चे हृदय से प्यार करती थी। रोजाना पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिया करती थी और लंबे समय तक परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। चर्च और बीदी सेवा में अपने फादर का सहयोग किया करती थी। पवित्र मिस्सा बलिदान के पश्चात छोटे छोटे बच्चों को धर्म शिक्षा दिया करती थी और प्रत्येक के दिल में ईश्वरीय प्रेम का बीज बोना चाहती थी। उन्होंने बाइबल के इस वचनों से बहुत प्रभावित हुई, जो इस प्रकार है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इस वचन पर चिंतन मनन करने के बाद मदर इंद्रिकेटा के दिल में एक सच्ची मिशनरी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस मिशन को पूरी करने के लिए उन्होंने अपने 6 धर्म बहनों को भारत भेजा। उन्होंने ईश्वर के प्रेम के खातिर अपना संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या, प्रार्थना एवं कठिन परिश्रम में बिताया। मदर इंद्रिकेटा अपने प्यार द्वारा गरीब बच्चों, बेसहारा लोगों, लाचारों और बीमारों को प्रभु यीशु के हृदय की ओर आकर्षित किया। मदर इंद्रिकेटा एक सच्ची और उत्साही मिशनरी थी। इनका परिणाम यह हुआ कि संतन्ना संस्था भारत के विभिन्न राज्यों में प्रभु यीशु के प्रेम और शांति को फैलाने में सफल हुई। आइए हम भी मदर इंद्रिकेटा की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु का प्यार और शांति को देश के कोने कोने में फैलाएं। धन्यवाद।